एक ऐसा विद्रोह देखा जिसमें दो सशस्त्र बल आमने सामने थे। मई का महीना था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर और यहां मौजूद लखनऊ यूनिवर्सिटी। हर साल की तरह ही कैंपस में परीक्षा शुरू हो गई थी। हर तरफ परीक्षा का माहौल था। छात्र अपनी अपनी तैयारियों के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ चुके थे। एग्जाम के पर्चे भी बढ़ चुके थे। अभी छात्र अपना पेपर सही से देख पाते तब तक दर्जनों छात्रों की एक भीड़ दंदराती हुई एग्जामिनेशन हॉल में घुसती है और छात्रों से पर्चे छीन लेती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक छात्र भीड़ में चिल्लाता है, पेपर रद्द हो गया है। अभी कुछ टीचर इन हुड़दंगी छात्रों को एग्जाम हॉल से निकालने के लिए धक्का मुक्की कर ही रहे होते हैं, तब तक एक छात्र दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि PAC यानी कि प्रांतीय पुलिस बल आ गई है। इतने में कैंपस के कई जगहों से आग की लपटें और धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। सबको लगता है कि छात्रों द्वारा ये कोई प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जब इस आगजनी के पीछे की असली वजह पता चलती है तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल प्रोफेसर BN पुरी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में बताया था कि कैसे 23 मई 1973 को PAC बल के जवानों ने सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद बहुत सारे PAC जवान लखनऊ यूनिवर्सिटी में घुस आए थे। यही नहीं, इन जवानों को छात्रों का समर्थन भी मिल रहा था। कैंपस में PAC छात्र एकता जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे थे। क्लासरूम के दरवाजे तोड़कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर उनमें आग लगा दी गई थी। जब हालात बेकाबू होने लगे तो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने सेना को बुला लिया। सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले PAC के हथियार खानों पर कब्जा करना शुरू किया ताकि विद्रोहियों के पास हथियार ना जा सके। इसके बाद सेना की एक टुकड़ी को लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहां से भारी मशक्कत के बाद PAC जवानों को सरेंडर करवाया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बीच सन 1971 के बाद पढ़ना शुरू हुआ था। देश में इंदिरा गांधी का राज था। भारत ने बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। शुरुआत में PAC को VIP सुरक्षा के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इसमें विस्तार हुआ। फिर इसे दंगों और कानून व्यवस्था को संभालने का भी जिम्मा सौंप दिया गया। 60 से 70 के दशक के बीच कई नई PAC कंपनियां खड़ी की गई, लेकिन जो सुविधाएं पहले वाले PAC के जवानों को मिला करती थी, दिन ब दिन वो खराब होने लगी। PAC जवान बढ़ते गए और सुविधाएं घटती गई। PAC जवानों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। इस असंतोष का एक प्रमुख कारण था अफसरों की मनमानी, PAC जवानों से निजी काम करवाना, यहाँ तक कि कपड़े बर्तन तक धुलवाना, उनके कुत्तों को टहलाना, झाड़ू पोछा करवाना, जैसे कामों को करवाया जाता था एक PAC के जवानों से। तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इन सब का गुस्सा तब फूटा जब साल 1973 में इंदिरा गांधी की लखनऊ में एक रैली हुई। सुरक्षा की जिम्मेदारी PAC को दी गई। अधिकारियों ने जब जवानों को आदेश दिया तो PAC जवानों ने आदेश की नाफरमानी कर दी। यहीं से विद्रोह शुरू हो गया जो पूरे प्रदेश में फैल गया। सेना ने इस विद्रोह को काबू कर लिया, लेकिन इस विद्रोह में PAC के लगभग 35 से ज्यादा जवान मारे गए। वहीं फौज के भी 2 दर्जन जवानों पर भी जान गंवानी पड़ी। हर तरफ से आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 500 से अधिक PAC जवानों को निष्कासित कर दिया गया। करीब 800 जवानों पर मुकदमा चला। इसके बाद PAC को पुनर्गठित किया गया। कई मांगे जो थी बाद में नई सरकार ने जवानों की मान, लेकिन ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो काला अध्याय था जब 2 सशस्त्र बल आमने सामने थे और गोलियों की बौछार हो रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।